दिल्ली में कांग्रेस ने बड़े लंबे वक्त तक राज किया, फिर समय आया आम आदमी पार्टी का, जिसने जनता के सामने ईमानदारी और सच्चाई का ढिंढोरा पीट कर सत्ता में आई और जनता ने आप पर विश्वास जताया। लेकिन आज के वक्त को देखते हुए जनता अपने फैसले पर परेशान हो रही होगी, क्योंकि धीरे धीरे सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की लगातार पोल खुल रही है और जनता के सामने उनकी सच्चाई आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी संकट में घिरती हुई नजर आ रही है और बुरे वक्त को भांपने की तैयारी भी कर रही है। जहां एक ओर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से बवाल है, तो वहीं पंजाब में सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों का सवाल भी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दूसरे विपक्षी दलों का साथ जरूर मिला, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से आपके साथ नजर नहीं आ रही है। सिसोदिया पर कांग्रेस के कुछ नेता आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, हालांकि कुछ उनके समर्थन में भी खड़े हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी के लिए परेशानियां दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली अबकारी घोटाले से पहले पार्टी सत्येंद्र जैन को लेकर संकट का सामना कर रही थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद जेल से कुछ वीडियो भी वायरल हुई, जो पार्टी की परेशानी बढ़ाते नजर आए। इसके बाद महाठग सुकेश चंद्रशेखर से भी आपके तार जोड़े गए। बाद में अबकारी मामले में जांच की आंच का सामना कर रहे सिसोदिया अब हिरासत में है। आपके आलोचक मानते हैं कि पार्टी के साथ भ्रष्टाचार के आरोप जमे हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा इसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेता आजम खान के मामले से जोड़कर समझते हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों ही कानूनी मामलों के चलते विधायक सीट और 6 साल के लिए मत देने का अधिकार गंवा चुके हैं। अब यही संकट आम आदमी पार्टी पर भी गहराता नजर आ रहा है। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951 के तहत अगर कोई सांसद, विधायक या MLC को 2 साल या इससे ज्यादा की जेल होती है तो वो अपनी सीट गंवा देते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास 6 सालों तक वोट डालने और चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होता है। अब आम आदमी पार्टी की चिंता ये भी हो सकती है कि अगर ऐसा उनके नेताओं के साथ हुआ तो चुनावी संकट भी खड़ा हो सकता है, खास तौर पर ऐसे समय में जब पार्टी दूसरे राज्यों में विस्तार की ओर देख रही है। पंजाब के बठिंडा ग्रामीण सीट से विधायक अमित रतन को विजिलेंस ब्यूरो ने हाल ही में घुसखोरी मामले में गिरफ्तार किया था। बीते साल आपके पंजाब में मंत्री विजय सांगला को भी गिरफ्तार किया गया था। इस साल फरवरी में भ्रष्टाचार के आरोपों में ही फौजा सिंह भी इस्तीफा दे चुके हैं। इसी बीच अमृतपाल सिंह की चुनौती भी आप सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ऐसे में दिल्ली के साथ साथ आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी मुश्किलें बढ़ गई है। पंजाब में भी पार्टी के 2 विधायक जेल जा चुके हैं। वहीं दिल्ली में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे जा चुके हैं। दिल्ली में पार्टी की छवि खराब हो ही रही है, साथ ही पंजाब में भी पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो रही है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, इसलिए केजरीवाल ये बहाना बनाते रहे हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर उन्हें फंसा रही है, लेकिन पंजाब में तो पंजाब पुलिस मान सरकार को रिपोर्ट करती है। ऐसे में पंजाब से आ रहे भ्रष्टाचार के मामले आम आदमी पार्टी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में दिल्ली और पंजाब के बाहर विस्तार की योजना बना रहे केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।